आज के इस वीडियो में हम सुकुना वर्सेस यूजी के उस फाइट को कवर करने वाले हैं जिस फाइट को देखने के लिए काफी सारे लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मेगुमी की बड़ी बहन को देखते हैं जो काफी टाइम बाद अब जाग चुकी होती है। वो कहती है काफी टाइम बीत गया पर आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं बदला, जिस पर मेगुमी कहता है तुम काफी टाइम बाद जागी हो। उसकी बहन बोलती है ओह तो इसीलिए मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब मेगुमी अपनी बड़ी बहन से पूछता है हे सिस क्या तुमने कलिंग गेम के बारे में कुछ सुना है, जिसमें उसकी सिस बोलती है थोड़ा बहुत तो सुना ही है। यूजी सोच रहा होता है बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा पर उसको क्या पता था गोजो का सील होना तो बस एक शुरुआत था, आगे आके देखो होता है क्या। तभी उसकी बहन एक न्यू रूल ऐड करती है। वो रूल ये होता है कि कोई भी इंसान किसी भी कॉलोनी में फ्रीली एंटर कर सकता है। अब यूजी और मेगुमी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मेगुमी पूछता है आखिर तू है कौन, जिस पर उसकी बड़ी बहन एक डेविल स्माइल देते हुए बोलती है मैं कौन हूँ, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ मेगुमी। हमें बताया जाता है कि जो मेगुमी की सिस्टर थी अब उसके अंदर हजार साल पुरानी एक कर्ज स्प्रिट ने कब्जा कर लिया है। अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी कोई कर्ज रिकार्नेट होता है वो जिस भी बॉडी में रिकार्नेट हुआ होता है उसके पास उस बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसका मतलब मेगुमी की के अंदर जो कर्स रिकार्नेट हुई है उसके पास मेगुमी के सिस की सारी यादें हैं। उस कर्स का नाम योरुजू होता है और वो सुकुना से फाइट करना चाहती थी। और जब यूजी योरुजू को पकड़ने वाला था तभी एंट्री होती है सुकुना की। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि सीजन 1 में सुकुना और यूजी के बीच एक डील हुई थी। सुकुना जब भी चाहे यूजी की बॉडी पर एक मिनट के लिए पूरा कंट्रोल ले सकता है। अब जैसा दोनों के बीच में डील हुआ था उसके अकॉर्डिंग अब सुकुना यूजी की बॉडी पर पूरा टेक ओवर कर चुका था। सुकुना कहता है इस बच्चे के साथ मैंने एक बाइंडिंग वाव किया था और उस बाइंडिंग वाव के दौरान मैं किसी को भी मार नहीं सकता। तभी सुकुना ये नोटिस करता है कि यूजी ने कहा था कि सुकुना किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दे सकता। वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकता इसका मतलब वो यूजी को तकलीफ दे सकता है और इसीलिए सुकुना यूजी की एक उंगली तोड़कर मेगुमी को खिला देता है। हम देखते हैं उस उंगली को खाने के बाद मेगुमी थोड़ा अलग बिहेव करने लगता है। अब यूजी वापस से नॉर्मल हो जाता है पर हम देखते हैं सुकुना इस वक्त मेगुमी की बॉडी पर पूरा टेक ओवर कर चुका था। वो कहता है अब मजा आने वाला है और ये सब देखने के बाद यूजी का दिमाग खराब हो जाता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुकुना सोच रहा होता है कि मेगुमी की जो टेन शैडो टेक्निक है ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है पर इतना पोटेंशियल होने के बावजूद मेगुमी इस टेक्निक को ठीक से यूज नहीं कर पाता। करंट टाइम में यूजी सुकुना को सिर्फ देख ही रहा होता है तभी सुकुना यूजी को इतना तगड़ा पंच मारता है कि यूजी दो बिल्डिंग तोड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है और ये चीज बाकी सोर्सरर्स भी नोटिस करते हैं। सुकुना कहता है ओ तो कुछ कीड़े भी यहाँ पर मौजूद है और ऐसा कहते हुए सुकुना एक बहुत बड़ा नोई को समन करता है। इस नोई का साइज बहुत बड़ा होता है, ये इतना बड़ा होता है कि एक बिल्डिंग को कवर कर रहा था। अब सुकुना नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई है तभी हमें एंजल को दिखाया जाता है। अगर तुम्हें एंजल के बारे में ज्यादा कुछ पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो एंजल है वो भी एक ह्यूमन की बॉडी में रिकार्नेट हुआ है। इसका मतलब एंजल भी सुकुना की ही तरह एक कर्स है। सिचुएशन कुछ ऐसा था कि हाना की बॉडी में एंजल रहता है ठीक वैसे ही जैसे यूजी की बॉडी में सुकुना रहता है। हाना एंजल से कहती है मेगुमी अब भी जिंदा है, जिसमें एंजल कहता है ऐसा नहीं है मेगुमी अब नहीं रहा। एंजल कहता है हमें सुकुना को जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि यही हम करने आए थे। और तभी एंजल सुकुना पर एक जोरदार हमला करता है जिससे सुकुना चला जाता है, मेगुमी ठीक हो जाता है। मेगुमी कहता है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया हाना। हाना इमोशनल होकर मेगुमी को गले लगाती है लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि ये सब सुकुना का बस एक प्लान था। और तभी सुकुना एक बहुत बड़ा सा मुंह खोलकर एंजल के पंख को काट देता है जिससे एंजल बहुत डैमेज हो जाती है। अब यूजी पूरे सीरियस मोड में सुकुना से फाइट करने आ जाता है। सुकुना यूजी को देखकर बोलता है ओह तो तू अब भी लड़ना चाहता है हा? तभी यूजी इतना तगड़ा जंप लेता है कि जहां पर वो खड़ा था मतलब जिस बिल्डिंग के ऊपर से यूजी जंप करता है उस जंप का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उस बिल्डिंग की छत पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिना कोई कर्स एनर्जी का यूज किए इतना तगड़ा जंप को देखने के बाद सुकुना भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। यूजी सुकुना से कहता है आखिर क्यों तुम दूसरों को तकलीफ दिए बिना रह नहीं सकते, जिस पर सुकुना यूजी पर एक क्लीव अटैक करते हुए ये कहता है आखिर क्यों तुम लोग इतने कमजोर हो। वो कहता है आखिर क्यों तुम लोग रेंग रेंग के ही सही पर फिर भी जीना चाहते हो। यूजी सीरियस होते हुए ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए एक कर्स हमेशा कर्स ही रहेगा। और ऐसा कहते हुए यूजी सुकुना की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर सुकुना भी यूजी पर
काफी सारे स्लैशर्स अटैक करता है, लेकिन इतना डैमेज होने के बावजूद तुम खुद देख सकते हो कि वो सुकुना की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है। यूजी की पोटेंशियल देखने के बाद सुकुना और सरप्राइज हो जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो मेगुमी है जो सुकुना को अंदर से रोक रहा है। इसका मतलब मेगुमी ने भी अब तक हार नहीं मानी है, वो अंदर रहकर ही सही पर सुकुना से फाइट कर रहा है। अब यूजी सुकुना को एक तगड़ा पंच मारता है। ये पंच खाने के बाद सुकुना कंफर्म हो जाता है कि मेगुमी उसको अंदर से रोक रहा है, लेकिन तभी माकी जेनिन की एंट्री होती है, जिस पर सुकुना स्माइल देते हुए ये सोचता है कि ये बंदी न्यू के उस लाइटनिंग अटैक से बच गई, कुछ तो खास बात है इसमें। माकी आकर यूजी से पूछती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर यूजी कहता है वो सब छोड़ो, पहले उसे मारो। अब माकी सुकुना और यूजी के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि ये कॉम्बैट फाइट थी इसलिए माकी सुकुना पर भारी पड़ रही होती है, लेकिन किंग ऑफ कर्सेस होने की वजह से सुकुना को कोई भी डैमेज नहीं होता, वो माकी के हर एक अटैक्स को सर्वाइव करते जा रहा था। सुकुना अकेले ही उन दोनों को संभाल रहा होता है, तुम कह सकते हो सुकुना खेल रहा होता है उन दोनों के साथ। लेकिन तभी कहीं से एक अटैक माकी और यूजी को आकर लगता है। हम देखते हैं ये अटैक और कोई नहीं उरामी की होती है। अगर तुम्हें पता ना हो कि आखिर ये बंदी है कौन, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब सुकुना एक ह्यूमन हुआ करता था तभी उराव में सुकुना की एक सर्वेंट हुआ करती थी। उराव में सुकुना को यहाँ से लेने आई होती है। सुकुना कहता है ये बॉडी अब तक रेडी नहीं है, जल्दी से एक बात रेडी करो। उराव में कहती है बात रेडी है मास्टर सुकुना, आप बस मेरे साथ चलिए और बात का मजा लीजिए। अब यूजी उस बर्फ से निकल कर सुकुना का नाम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूजी को इस कंडीशन में देखने के बाद, उसको रोते हुए, उसको गिड़गिड़ाते हुए देखने के बाद लिटरली सुकुना हंस रहा होता है और वहां से चला जाता है। एंड यहीं पर इस फाइट की एंडिंग हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि सुकुना की एंट्री हो चुकी है, इसका मतलब अब असली मजा आने वाला है। रेडी हो जाओ, बिकॉज अगला वीडियो सुकुना वर्सेस योरुजू के ऊपर होने वाला है। योरुजू जो सुकुना से शादी करना चाहती है, ये तो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है। उस एपिसोड को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।